जवानी की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते हम कब बचपन और बचपने को खो देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। काश ऐसा हो पाता कि एक दिन घुमा देते घड़ी की सुइयों को एंटी क्लॉक वाइज और लौट जाते उसी बचपन की दुनिया में जहाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लिया करते थे। बढ़ते उम्र के साथ साथ अब यह एहसास होने लगा कि ख्वाहिशों की भी एक समय सीमा होती है जो गुजरते वक्त और हालात के साथ बदलती रहती है। कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी का मतलब सिर्फ छुट्टी का दिन समझने वाले हम लड़के कब अपने वतन से दिल लगा बैठते हैं इसका एहसास जरा सा भी नहीं होता। जो कल तक लड्डू मिठाइयों में अपनी खुशियों को ढूंढ लिया करते थे आज वो वीरों की शहादत पर उन्हें याद कर अपनी आंखें नम कर लिया करते हैं। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो और निकल पड़ते हैं अपने हौसले पागलपन और जुनून के साथ इस वर्दी को पाने के लिए। महीनों पहले स्कूल में होने वाली किसी फंक्शन की तैयारियों का इंतजार करने वाले हम लड़के अब पूरे साल डिफेंस के एग्जाम और उसकी वैकेंसी का इंतजार करते हैं। प्यार मोहब्बत करने की इस उम्र में फौज को ही अपना मोहब्बत मानकर अपने जुनून से लड़ना जज्बा होता है। जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में सो रही होती है तो अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए हम फौज की तैयारी करने वाले लड़के गोल्ड स्टार के जूते स्पोर्ट्स की रनिंग पैंट और एक टी शर्ट पहने गांव के किसी कच्ची सड़क पर दौड़ लगा रहे होते हैं। मैट्रिक और इंटर के बाद ये हमारी ज़िंदगी की पहली रेस होती है जिसे 5:30 या 5:45 के बीच दौड़कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बाइक पर अपनी गर्लफ्रेंड को घूमने घुमाने के इस उम्र में हम किताबी दुनिया में ही गुम रहते हैं ताकि रिटर्न एग्जाम को भी अच्छे से क्रैक किया जा सके। जानते हैं साहब, अब हम ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड नहीं करते हैं बल्कि अपने जिस्म पर उस वर्दी को पाने की जिद रखते हैं। अपने हाथों में स्मार्टफोन के बजाय उस राइफल को पकड़ना चाहते हैं ताकि अपने कंधों पर देश की हिफाजत की जिम्मेदारियाँ ले सकें। कैरियर बनाना और पैसा कमाना सिर्फ मकसद होता तो कई और सारे ऑप्शन थे हमारे पास, पर क्या करें, फौजी बनने के सपने कभी हकीकत में भी कुछ और करने की हिम्मत नहीं देती। अब ख्वाहिश मर चुकी है सीने में, बचा है तो सिर्फ एक पागलपन इस वर्दी को पाने के लिए, एक फौजी बनकर अपना फर्ज निभाने के लिए। अगर मिट भी जाए वतन की हिफाजत में हम, एक तमन्ना है तिरंगे में लपेट कर आने के लिए। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन